आप लोग जो अनशन किए हैं जी, इस अनशन का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। सातवीं से दसवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, नियुक्तियां दे दी गई, लेकिन जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं, जो बीडीओ बने हैं, जो डीएसपी बने हैं, जो वित्त पदाधिकारी बने हैं, उन्हें भी ये पता नहीं है कि उनका मार्क्स कितना है। अगर वो डीएसपी बने, जो डीएसपी बने हैं, वो उतना मार्क्स लाए हैं कि नहीं लाए हैं, वो वित्त पदाधिकारी नहीं जान रहे हैं। और जो वित्त पदाधिकारी या जिनको शिक्षा पदाधिकारी जो बने, वो नहीं जान रहे कि जो डीएसपी बना है उसको क्या मार्क्स आया है। तो जो नियुक्त अभ्यर्थी है उनको भी अपना मार्क्स पता नहीं है, और जो असफल अभ्यर्थी है उनको भी अपना मार्क्स पता नहीं है, अपना मार्क्सशीट पता नहीं है। कट ऑफ मार्क्स ये हमेशा जेपीएससी या पूरे राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की हम बात करें तो यह परंपरा रही है कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है उसके साथ ही कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता है। लेकिन जेपीएससी ने सारी हदों को पार करते हुए एक असंवैधानिक नियुक्ति कराया है, ऐसी नियुक्ति कराया है जो विधि सम्मत नहीं है। बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए हुए और बिना मार्कशीट जारी किए हुए इसने नियुक्ति करा दी। पहला पॉइंट, सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम स्पष्ट चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत हमारा अंक पत्र जारी करे और तुरंत से तुरंत हमारा कट ऑफ मार्क्स जारी करे, हमें हमारी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जाए। जिस प्रकार छठी जेपीएससी में आप देख सकते हैं कि जब छठी जेपीएससी में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया, उसके महज तीन से चौथे दिन जो है वो मार्कशीट दे दिया गया। जब मार्कशीट जारी कर दिया गया तो उसके बाद ही अभ्यर्थियों को यह पता चला कि नियमावली का उल्लंघन हुआ है, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ा गया है, ठीक है। और उसके बाद ये केस हाईकोर्ट में चला, इसी जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई उसके बाद हाईकोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया वो सर्वविदित है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग को लगता है कि यहाँ कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करना, हमारा मार्कशीट नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी धांधली को दर्शाता है। हो सकता है कि जो भी कैंडिडेट 252 कैंडिडेट्स का आप नियुक्ति किए हैं, यह बहुत हद तक पॉसिबल है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को लिखवाया जा रहा हो, फिर से उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का लिखवाया जा रहा हो, उन पर मार्क्स चढ़ाया जा रहा हो और उसके बाद उसको नेट पर जारी कर दिया जाएगा, बाद में कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। आयोग के पास कट ऑफ मार्क्स है ही नहीं, आयोग के पास मार्कशीट है ही नहीं, इसलिए उसने जारी नहीं किया है। यह पूरी तरह असंवैधानिक नियुक्ति है, विधि सम्मत नहीं है, इसको रद्द कर देना चाहिए। आपका जो है आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पिछले बार 11 अक्टूबर को अभ्यर्थीगण जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर अध्यक्ष महोदय जो है नीलिमा करकट्टा, उन्होंने कह दिया कि ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, मैं आप लोगों से नहीं मिलना चाहती हूं। हालांकि हिमांशु मोहन जो सचिव के पद पर हैं।